उसको हाथ नहीं लगा सकता है। और देशवासी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं और दायित्व के साथ कहना चाहता हूं, वंचित का जो अधिकार है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। मोदी की चौकीदार में जब मोदी जैसा चौकीदार हो, किसने अपनी मां का दूध पिया है जो आपका हक छीन सकता है? साथियों, साथियों, हम तो माता शबरी की पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी आदिवासी समाज को सम्मान नहीं दिया और न ही मिलने दिया। आदिवासी क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में इतने बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस ये बलिदान की बात मानने को तैयार नहीं है। आजादी की लड़ाई का पूरा श्रेय कांग्रेस केवल एक परिवार को ही देती रही है। ये भाजपा है जो देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर म्यूजियम बनवा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि हमारे पूर्वज आदिवासियों ने देश के लिए कितने बड़े बलिदान दिए थे। साथियों, आप सभी जानते हैं, भाजपा ने, एनडीए ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया और पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन आपको याद रहना चाहिए, वो कौन लोग थे जिन्होंने आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए रात दिन एक कर लिए थे? वो कौन थे? ये कांग्रेस वाले थे जिन्होंने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए रात दिन एक किया था। और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्यों किया? और इसकी एक वजह अभी 2-3 दिन पहले ही खुली है। कांग्रेस के जो साहजादे हैं ना, उनके गुरु अमेरिका में रहते हैं। ये कांग्रेस के साहजादे के एक गुरु अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों पर रंगभेदी टिप्पणी की है, रंग के आधार पर भेद, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। अरे, जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन मानती है, और इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, उन्हें ये मंजूर ही नहीं था। आप लोग बताइए, यहां जो भगवान कृष्ण के रंग वाले हैं, क्या वो सब अफ्रीकन है क्या? क्या ये अपमान है कि नहीं है? क्या आदिवासी समाज का अपमान, इसका बदला लेने के लिए ये रंगी की बातें कर रहे हो? साथियों,
कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कितना खतरनाक है, ये शहजादे के गुरु ने इसका भी खुलासा किया है। ये शहजादे के गुरु ने अमेरिका से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण और राम नवमी का उत्सव ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, भारत के विचार के खिलाफ है। उन्होंने यहां तक कह दिया मोदी मंदिर जाता है वो भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। कांग्रेस मेरा मंदिर जाना भी भारत विरोधी है। बताइए भाई, क्या मंदिर जाना ये देशद्रोह है क्या? जरा आप बताइए, देशद्रोह है क्या? क्या ये भारत विरोधी काम है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं? आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए, ये राम के देश में राम मंदिर को देश विरोधी बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए सरकारी इफ्तारी करने वाले लोग ये आतंकवादियों की कब्रों को संवारने वाले लोग ये हम सबके प्रभु राम और जिनका राम मंदिर जहां हम जाते हैं उस राम मंदिर जाने को देश विरोधी बता रहे हैं। मेरे भाई बहन, हम तो माता सबरी के पुजारी हैं। ये इंडी गठबंधन हमला ये मोदी पर नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की आस्था पर है। ये हमला आप पर है, ये मेरे देश के आदिवासियों पर हमला है। कांग्रेस पार्टी देश से हिंदू आस्था को मिटाने का षड्यंत्र कर रही है। साथियों, प्रभु श्री राम जीवन के उच्चतम आदर्शों, महानतम गुणों और सुंदरतम मूल्यों के महासंगम है। भारत के अस्तित्व का आधार राम से है और भारत के भविष्य का प्रेरणा पुंज भी प्रभु श्री राम है। यही महाराष्ट्र की धरती पर ये संत आवाज उठी थी, विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माजा राम रे, अर्थात मेरे राम तो पूरे विश्व के विश्राम है, आश्रय है। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस पार्टी वाले आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। भगवान श्री राम की सीख है परहित सरित, धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम, नहीं अधमाई, अर्थात दूसरों की सेवा से परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और किसी को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप है। ऐसे प्रभु राम को सहजादे, उनके गुरु और कांग्रेस पार्टी इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। हमारे राम कहते हैं कोमल चित्त दिनह पर दाया, मन वच क्रम ममा
भगति अमाया, अर्थात जो दीन दुखियों की पीड़ा को जानता है, महसूस करता है, वही मेरा भक्त है। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है और ये भगवान राम की ही शिक्षा है। धर्मनो दुसुर, धर्मो न दुसर, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, अर्थात सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। ये राम ही है, ये राम ही है जो सभी दुखियों को, वंचितों को गले लगाकर अपने पास बैठाते हैं। सहज सहज स्नेह विभत रघुराई, सहज स्नेह विभत रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। हमारे राम जनजातीय समाज से कैसे मिलते हैं? हमारे राम जनजातीय समाज को मिलते हैं पूर्जन करी जोहारू घर आए, अर्थात राम आदिवासियों का, उनकी संस्कृति का सम्मान करते हैं, उनसे जोहार करके मिलते हैं। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। हमारे प्रभु श्री राम ने हमें सिखाया है, और ये जो लोग देश छोड़ करके भाग गए हैं वो जरा कान खोल के सुन ले। हमारे प्रभु राम ने सिखाया है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। यानी राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। साथियों, ये लोग इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये लोग सत्ता में रहते हैं तो गरीब को धुतकारते हैं,